प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। इसे लेकर लोगों को जाम से छुटकारा पाने की एक उम्मीद तो जगी है, लेकिन दिल्ली में और भी ऐसे नेशनल हाईवेज हैं जिन्हें सुधार होना उनमें बाकी है। हम बात कर ले गुड़गांव की, फरीदाबाद की, नोएडा की, सोनीपत समेत कई ऐसे शहर हैं जहां से रोजाना लाखों गाड़ियां कई राजमार्गों यानी जो नेशनल हाईवेज हैं उनके जरिए दिल्ली में घुसती हैं। उन इलाकों में घंटों लंबा लंबा जाम और बेहद जहरीली आबोहवा एक आम बात बन गई है। दिल्ली का सिरदर्द बन चुके इन राजमार्गों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं दिल्ली गुड़गांव को जोड़ते NH8 और दिल्ली गाजियाबाद नोएडा को जोड़ते NH24 की। रोजाना मीलों लंबा जाम इन सड़कों पर लगता है। इससे न केवल लोगों का समय बर्बाद होता है बल्कि गाड़ियां घंटों सड़कों पर रहकर जहरीला धुआं दिल्ली NCR की हवा में घोलती हैं। गुड़गांव को दिल्ली से जोड़ते NH8 पर ज्यादा हाल खराब है। कुछ समय पहले यहां दिल्ली गुड़गांव सीमा पर टोल टैक्स था, लेकिन भारी जाम के चलते टोल टैक्स को हटा दिया गया। मकसद था जाम से राहत, लेकिन हुआ उल्टा। पहले जहां रोजाना 2.5 लाख वाहन यहां से गुजरते थे, वही अब ये संख्या 3 लाख से भी ज्यादा हो गई है। नतीजा लंबा जाम और प्रदूषण। यही हाल है NH24 का भी, जो दिल्ली को नोएडा और गाजियाबाद से जोड़ता है। लेकिन अब लोगों को उम्मीद है कि दिल्ली मथुरा एक्सप्रेसवे बनने से हालात सुधरेंगे, ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा, रोड चौड़ा हो जाएगा, ट्रैफिक कम लगेगा और टाइम कम लगेगा आने जाने में। इससे बहुत बेनिफिट होता है, गैस कम लगती है, हम जल्दी पहुंचते हैं। अगर एक घंटे जाम में फंसे रहेंगे तो हमारी गैस ही छूटेगी, तो बहुत लॉस होता है। ऐसे में बहुत बेनिफिट मिलेगा, रोज रास्ते चौड़े हो जाएंगे, हाईवे बन जाएंगे, तो हमें बहुत फायदा होगा। अब जरा नजर डालते हैं और कौन कौन से दिल्ली से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो कि जानलेवा बनते जा रहे हैं। दिल्ली को अलग अलग शहरों से जोड़ने वाले करीब 6 मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। NH8 दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर, रोजाना करीब 3 लाख वाहन। NH24 दिल्ली नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर, रोजाना करीब 1.5 लाख वाहन। NH1 सिंधु बॉर्डर, रोजाना करीब 1.5 लाख वाहन। NH10 टीकरी बॉर्डर, रोजाना करीब 60,000 वाहन। इसके अलावा दक्षिण दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले दिल्ली नोएडा टोल मार्ग पर रोजाना 60,000 वाहन गुजरते हैं। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इन राजमार्गों को बेहतर करने की वो बराबर कोशिश कर रहे हैं। NHAI की योजना है कि इन सारे राजमार्गों में इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम जल्द शुरू हो, जिससे गाड़ियों के रुकने की जरूरत ही ना पड़े। इसके अलावा कई राजमार्गों को चौड़ा किए जाने का काम किया जा रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, मेरठ एक्सप्रेसवे है, इस तरीके के जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं ये सब इंटेलिजेंट हाईवेज बनेंगे। इनमें गैंट्रीज पर टोल रीडर्स होंगे जो RFID चिप को पढ़ सकेंगे और जिससे कि आपको रुकना नहीं पड़ेगा। यानी एक सपने की शुरुआत तो करेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन बहुत कुछ देश की सड़कों के लिए करना बाकी है। ऐसे जाम से बचने के लिए और सड़कों पर लोगों की यात्रा सुगम बनाने के लिए बेशक NH24 का चौड़ीकरण होना एक अच्छी पहल है और इससे लोगों को फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि वाहनों की संख्या पर काबू पाया जाए और इसी तरीके के हाईवे देश के कोने कोने में बनाया जाए। कैमरा पर्सन प्रणय दास के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN 7। तो आपने हमारे सहयोगी अमित पांडे की ये स्टोरी देखी। इस पर और विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ खुद अक्षरधाम से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अमित पांडे और साथ ही साथ ITO से मेरे एक और सहयोगी रवि सिंह भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अमित पांडे का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। अमित, ये जरूर है कि एक तोहफा नए साल पर लोगों को मिल रहा है दिल्ली से मेरठ जाने वाले जो हैं खासतौर पर उनके लिए, लेकिन अगर बाकी हम नेशनल हाईवेज की भी हालत देखें तो क्या लगता है उनको देखते हुए क्या स्थिति सुधरेगी? देखिए, नेशनल हाईवे पर जो दिल्ली के आसपास हैं उन पर लगातार काम होता रहा है, चाहे वो गुड़गांव बॉर्डर हो या फिर सोनीपत से सटा बॉर्डर हो, लेकिन होता ये है कि वहाँ पर जो रास्ता है वहाँ पर रास्ता चौड़ा कर दिया जाता है, अच्छा होता है, लेकिन महज साल दो साल में ही इतनी ज़्यादा गाड़ियों की तादाद हो जाती है कि वहाँ पर जाम लगने लगता है। DND नोएडा अगर हाईवे वो रास्ता देखे वहाँ पर भी जाम आम बात हो गई है, गुड़गांव भी आम बात हो गई है जाम की। और NH24 लोग उत्साहित तो हैं, लेकिन इस पर यहाँ पर वाहनों पर काबू पाने की सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है। लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे भी जानते हैं। आप बताइए, आज NH24 का ये रास्ता चौड़ा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इसे चौड़े होने से सर कुछ नहीं होने वाला, जब तक
गाड़ियां कम नहीं होंगी तब तक चौड़े होने से गाड़ियां तो डेली डे बाई डे बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन तो बढ़ना ही बढ़ना सर। हाँ जी सर, चौड़ा भी वैसे हो जाएगा तो अच्छा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, उसको कंट्रोल करने में बढ़िया हो जाएगा। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है चौड़ा हो जाए अच्छा तो है, लेकिन बहुत कुछ अभी करना बाकी है। लेकिन हम चौड़ीकरण को अगर यहाँ पर देखें भी तो अमित, आखिर क्या उससे फायदा होता नजर आ रहा है? अगर हम रवि हम NH8 को देखें, जहां से रोल दिल्ली गुड़गांव जाने वाले अप डाउन करते हैं, वहां की स्थिति देखें तो वहां तो इतनी चौड़ा करण उसका किया गया था, इतनी चौड़ी वहां पर सड़क है, उसके बावजूद जाम से वहां पर निजात नहीं मिल पाई। ये जरूर था कि उससे राहत मिलेगी, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। रवि, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी रवि, जिस तरह से यहाँ पर अमित बात कर रहे थे लोगों से, और लोग ये कह रहे थे कि हाँ अगर चौड़ीकरण हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जो ऑलरेडी हैं भी तो वहां पर भी स्थिति उतनी सुधरती हुई नजर नहीं आई। ये ठीक है कि राहत के लिए किया गया था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। देखिए, नेशनल हाईवे की जो जब चौड़ा किया जाता है, उसी तादाद में राजधानी में और NCR में गाड़ियों की तादाद भी बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर चौड़ा तो होता है, थोड़ी सी लोगों को राहत तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ में ट्रैफिक का मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस तरीके से ट्रैफिक का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है और उसका वायलेशन होता है, और एक ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह यह भी बनती है। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि ITO पर जो इवन ऑड का जो फार्मूले की बात चल रही है, यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं उस चीज़ को लेकर कि आज क्योंकि ट्रायल चल रहा है, तमाम जो एजेंसियाँ हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो या फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को लेकर आज ट्रायल चल रहा है, क्योंकि कल से ही इन लोगों को सड़कों पर उतरना है और काम करना होगा। यहाँ पर सिविल डिफेंस के करीब 7-8 जो वॉलंटियर हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के साथ में वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कल से वो काम करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद परिवहन मंत्री गोपाल राय भी यहाँ पर मौजूद होंगे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो सड़कों को मैं दिखाना चाहूँगा कि आज क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और ऐसे में ट्रैफिक डिसिप्लिन भी नज़र आ रहा है, सड़कें जो खाली हैं, पीक टाइम है इस समय जो गाड़ियां बड़ी तादाद में घर लोग निकलते हैं, लेकिन फिर भी जो जेब्रा क्रॉसिंग है उससे पीछे ही गाड़ियां नजर आ रही हैं, वहां उसको क्रॉस नहीं कर रही हैं, यानी कि पूरी तरीके से डिसिप्लिन नजर आ रहा है। उसकी वजह है कि लोगों को लग रहा है कि अगर वो नियमों को तोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनके हाथ में चालान थमा दिया जाएगा, और यही वजह है कि यहाँ पर अभी स्मूथली जो ट्रैफिक चल रहा है। बिल्कुल, सब मैनर में नजर आ रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें आप हमें रवि दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चालान का डर जरूर है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑड इवन पर हम आएंगे आगे और आपसे बात करेंगे, क्योंकि आज ट्रायल रन जो है वो चल रहा है, और साथ ही अमित आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।